अब यहां पे देखिए, मूविंग कर्व्ड प्लेट की बात जब हम करते हैं तो आपको सिंपल समझना है। अब मैं यहां पे कोई भी चीज सिमेट्री या ऐसा नहीं ले रहा हूं, पूरा फुल केस बता रहा हूं। तो फुल केस में क्या होता है कि आपको ब्लेड जो है सबसे पहले किसी नोजल के, किसी नोजल का एंगल अब अलग होगा, ठीक है। अब हम नोजल का भी एक एंगल लेंगे, ठीक है, कि नोजल को हमने किसी एंगल से जो है वो स्ट्राइक करवाया है, ठीक है। तो यहां पे आपको सारे के सारे वेलोसिटीज मैं दिखा दूंगा जो हमने पहले भी पढ़ी है कई बार। तो दिस इज द इनलेट पॉइंट एंड दिस इज द आउटलेट पॉइंट। तो इस इनलेट पॉइंट को मैं वन बोल देता हूं, ठीक है, दिस इनलेट पॉइंट को मैं वन बोल देता हूं और दिस आउटलेट पॉइंट को मैं टू बोल देता हूं। क्लियर, दैट इज इनलेट वन एंड आउटलेट टू, ठीक है, वन और टू, इनलेट एंड आउटलेट। नाउ ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है एक्स, जिस पे ब्लेड जो है वो मूव करेगा। नाउ अब हमने जेड को किसी एंगल से भेजा, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, मैंने प्रॉपर पूरा टर्बाइन का केस ले रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर ब्लेड का एंगल जो होगा उसी एंगल पे क्यों भेजा, भेजना चाहिए हमें, जेड का अलग एंगल क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा टर्बाइन के हिसाब से सोचिएगा कि टर्बाइन का ब्लेड जो है वो तो कई सारे होंगे ना, ऐसा। तो अगर मैं कोई एक ब्लेड के हिसाब से मानो एंगल को जेड के साइड कर भी देता हूं, लेकिन वो ब्लेड तो मूविंग है, आगे चले जाएगा, तो दूसरा ब्लेड जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो कौन सा उसी एंगल पे आएगा, तभी पानी जाएगा, पानी तो कंटिन्यूस जा रहा होगा ना। तो जेड स्ट्राइक जो है वो किसी एक फिक्स नोजल वाले एंगल पे जाता रहता है, ठीक है। ब्लेड जो है, ब्लेड तभी, ब्लेड जो चलेगी वो उसी पे चलेगी जो उसके एंगल पे आ रही होगी, इसीलिए ब्लेड का अपना एंगल अलग है और जेट को भेजने का अलग एंगल है, ठीक है। कई बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर ब्लेड और जेट का एंगल यहां पे सेम ही रखना चाहिए, उसी में जाएगा, ठीक है ना। वो सिर्फ हमने केस में दिखा रहे हैं, ऐसा है नहीं। एक्चुअल में तो क्या हो रहा है कि ब्लेड आपने एक एंगल पे सेट, जेट आपने एक एंगल पे सेट कर दिया जेट, अब जेट तो उसी एंगल पे जाता रहेगा, लेकिन ब्लेड तो ऐसे करके आ रहा है, ब्लेड ऐसे करके आ रहा है, तो ब्लेड के अपने एंगल पे जो पानी मिला ब्लेड उससे चलेगा, इसलिए ब्लेड का एंगल हम अलग लेंगे, ठीक है। ब्लेड का एंगल हम अलग लेंगे, दैट इज थीटा, और आउटलेट ब्लेड का एंगल हम अलग लेंगे, दैट इज फाई, ठीक है। ऐसे ही जेट का एंगल हमने अलग लिया, दैट इज अल्फा, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहां पे सेम इस तरह से v1 वेलोसिटी हमने जेट को भेजा, अब अल्फा एंगल से भेज रहे हो तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट v1 साइन अल्फा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिख रहा है इतना नीचे, v1 cos अल्फा दिख रहा है ना, ठीक है, v1 cos अल्फा, समझ आ गई बात। तो ऐसे में v1 cos अल्फा और v1 sin अल्फा, क्लियर है। नाउ अब देखिए, v1 जो है हम भेज रहे हैं v1 वेलोसिटी से, लेकिन ब्लेड चल रहा है तो ब्लेड का जो वन वाला पॉइंट है वो मान लीजिए u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ब्लेड का जो वन वाला पॉइंट है वो u1 वेलोसिटी से चल रहा है। तो ब्लेड जब u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना, तो फिर उसको v1 से आती हुई फील नहीं हुई, उसे क्या फील हुई, v1 minus u1। तो उस v1 माइनस u1 वेलोसिटी को v1 से तो कम ही होगी ना, तो v1 माइनस u1 को हम यहां नीचे ले लेंगे कुछ ऐसे, तो उसे फील हुई कुछ v1 minus u1, जिसको हम नाम दे देंगे vr1, vr1 रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। और उसे किस एंगल पे आती फील होगी, तो थोड़ा सा मेरा एंगल अलग सा बन गया, लेकिन एंगल पे कौन सी, ठीक है, ये एंगल और थीटा सेम ही है, ठीक है ना। थोड़ा डायग्राम में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो बना लूं, चलो ठीक है, लॉजिकली गलत ना हो, पता चला कभी किसी ने वीडियो यहीं से देखना शुरू किया और उसने यहीं से बंद कर दिया कि इसको तो इतना ही नहीं पता भाई को, vr1 ऐसा मोल लेते हैं, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थीटा, एंगल थीटा, तो यहां पे ये एंगल है थीटा, समझ गए। तो यहां पे आपको साफ दिख रहा है कितनी वेलोसिटीज हैं, 1 2 3 4, सिंपल, ठीक है। तो अब देखो,
v1 वेलोसिटी हमने भेजा, उसके दो कंपोनेंट हुए, एक कंपोनेंट v1 cos alpha जो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसके वजह से टर्बाइन चल रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल जो है कंपोनेंट, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल जो है कंपोनेंट उसके वजह से चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड vw1। तो vw1 v1 cos alpha ही है, ये याद रखिएगा, vw1 जो है वो v1 cos alpha ही है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब जो घुमा रहा है टर्बाइन को, ठीक है। उधर v1 sin alpha क्या करता है, पानी को फ्लो कराता है यहां से ऊपर तक, ठीक है ना, ये पानी को ऊपर को धकेलेगा कि इस पे से फ्लो करना है, तो इसलिए इसको नाम देते हैं v1 sin alpha बोल सकते हो आप, लेकिन नाम देते हैं vf1, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, v1 माइनस u1 है, दैट इज, तो याद रखिए v1 और vr1 में कितना अंतर है, तो v1 और vr1 में इतना अंतर है, और इस अंतर को हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज u1, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा हो गया, बट समझ के देखोगे और आवाज सुनोगे मेरी तो समझ में आ जाएगा। तो सिंपल ये बन गया हमारा कंप्लीट इनलेट साइड में वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है। बस अब यही फ्लो जो है वो बाहर को जाएगा, और यहां पे भी क्या है, वेलोसिटीज बाहर निकलेंगी, तो एक होगी हमारी ब्लेड रिलेटिव वेलोसिटी और एक होगी हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो जो बड़ी वेलोसिटी यहां बाहर निकलती है vr2, और यहां पे दूसरी वेलोसिटी एक्चुअल जो है उसकी वो है v2, एक्चुअल जो है v2, vr2 उतना ही होगा एग्जैक्टली जितना एंगल यहां बनाएगा phi, तो एंगल phi बना रहा है तो phi होगा, ब्लेड का एंगल बीटा होगा, और ब्लेड के जो ब्लेड का एंगल phi होगा और जेट का एंगल जो है वो बीटा होगा, और बीट इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे v2, वही सेम v2 sin phi, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो vf2, और यहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो vf2 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vw2 जो नीचे था, बस भाई v2 के दो कंपोनेंट vf2 और vw2, सेम v1 के दो कंपोनेंट vw1 vf1, तो वो भी यहां है, और दोनों के बीच में जो अंतर है, ठीक है ना, वो क्या है, vr2 और v2 के बीच में, दैट इज u2, इस तरह से। तो ये आपका कंप्लीट वेलोसिटी ट्रायंगल यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है ना सर। vw1 तो सर एंगल तक पूरा नहीं होगा, तो पूरा तो लिया है, पूरा तो लिया है vw1 नीचे तक, एंगल तक तो लिया है, पूरा ही तो है, ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर है, ठीक है ना। ये हम क्या ले रहे हैं, एट द टिप, एट द टिप, जब एट द टिप हम लोग फ्लो करा रहे हैं, तो दिस इज द कंप्लीट वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है। रिपीट कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही नहीं समझ आई तो टर्बाइन की कैलकुलेशन को समझ ही नहीं आएगी, ठीक है, समझ लो, सिंपल है, देखो सिंपली बता रहा हूं, ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, ब्लेड है, ठीक है, ऐसा ब्लेड ही ऐसा समझो, चलो ये ब्लेड है, ठीक, कैसा बनाया हमने, ऐसा बनाया, ये ब्लेड है, ठीक है। अब ब्लेड में यहां पे ये ब्लेड है, इसका एक ऊपर का ब्लेड का एंगल है फाई, नीचे का ब्लेड एंगल है थीटा, ठीक है, ब्लेड का अपना एंगल है थीटा और फाई। यहां पे हमने जेट वेलोसिटी कोई भेजी अल्फा एंगल से, ठीक है, अल्फा एंगल से हमने कोई जेट वेलोसिटी भेजी v1। अब अल्फा एंगल से भेज रहे हैं जेट वेलोसिटी v1, तो उसके दो कंपोनेंट हुए, v1 cos अल्फा जो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो टर्बाइन को आगे को धकेलेगा, क्योंकि हमने अल्टीमेटली फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही निकालना है ना एक्स, तो इसलिए याद रखिए फोर्स कितना लगा, पावर कितनी जनरेट हुई, वो एक्स डायरेक्शन में निकालनी है, तो इसलिए हमारे लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। तो v1 से हमने भेजी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मतलब vw1, समझ आ गई बात। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया कि टर्बाइन को घुमा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड नाम दिया, वर्ल्ड मतलब घुमाना, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड vw1, ठीक है, ठीक है, v1 cos alpha ही को हम vw1 कहते हैं, vw1, ठीक है। और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो पानी को ऊपर बहाएगा, इसके ऊपर फ्लो कराएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ vw, वेलोसिटी ऑफ फ्लो vf1, ठीक है। तो एक v1 जेट वेलोसिटी भेजी, उसके दो कंपोनेंट हैं vw1 और vf1, समझ आ गई बात, क्लियर हो गई, तीन वेलोसिटी क्लियर हो गई, v1 इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट, vw1 इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ v1, vf1 इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ v1, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ब्लेड को क्या फील हो रहा है कि मेरे पे जो पानी आ रहा है वो v1 से नहीं आ रहा है, वो v1 से कुछ कम आ रहा है, कितना कम, जितना वो खुद भी चल रहा है, तो खुद वो u1 से चल रहा है ये पॉइंट, जब खुद u1 से चल रहा है ये पॉइंट, तो उसे v1 से ना v1 माइनस u1 से फील हुआ, तो v1 माइनस u1 को हमने एक नाम दे दिया रिलेटिव वेलोसिटी vr1।
तो वी वन माइनस यू वन हमने बोल दिया वी आर वन, तो अब वी आर वन हमने वी वन से थोड़ी कम बना दी, तो वी आर वन जो है वो किस एंगल पे बनाई हमने, जिस एंगल पे ब्लेड एंगल था, क्योंकि उसको तो वही पानी फील होगा ना जो उसके एंगल पे आएगा वी आर वन, तो वी आर वन को हमने थीटा पे बना दिया, बस यही तो किया। देखो वी वन के दो कंपोनेंट वी डब्ल्यू वन और वी एफ वन, ठीक है, उसके बाद वी वन से ना फील होकर ब्लेड को फील हो रहा है वी आर वन जो थीटा एंगल पे फील हो रहा है, और ये रहा वी आर वन, और वी आर वन वी वन में क्या अंतर है, यू वन का जितना वो खुद से चल रहा है, जैसे यहां पे वी टू और वी आर टू में क्या अंतर है, यू टू का, क्योंकि यू टू जो है वो खुद से चल रहा है, ठीक है। U1 U2 सेम भी रह सकते हैं अगर ब्लेड आपका सिमेट्रिक है, ठीक है ना। अब U1 U2 के बारे में थोड़ी सी बात मैं यहां पे और बता देता हूं। देखो ये ब्लेड है, ये सेंटर है टरबाइन का, दिस इज द सेंटर ऑफ द टरबाइन। अब इस टरबाइन के सेंटर से मान लीजिए एक ब्लेड लगा हुआ है कुछ इस तरह से, ये टरबाइन का ब्लेड लगा हुआ है, ये ब्लेड जो है वो इस तरह के ही कर्व पार्ट में है जैसा हमारा ब्लेड वहां दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से, समझ आ रही बात। नाउ अब देखो ब्लेड मानो ऐसा है, तो सेंटर से अगर मैं इसका रेडियल डिस्टेंस देखूं, ये पॉइंट है मेरे वन और टू, ये मान लीजिए इनलेट पॉइंट है वन और ये आउटलेट पॉइंट है टू, ठीक है। अब मान लीजिए सेंटर से मैं ये डिस्टेंस देखूं, ध्यान समझिएगा ये कैलकुलेशन को, तो ये कितना है मान लीजिए आर टू, और सेंटर से ये डिस्टेंस देखू तो ये कितना है आर वन, ठीक है, समझ आ रही ना बात। अब मानो ब्लेड को मैं घुमा रहा हूं किसी ओमेगा की वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहा हूं, तो यहां पे पेरिफेरल वेलोसिटी क्या लिखूंगा मैं वी वन पे, तो वी वन क्या लिखूंगा ओमेगा ओमेगा आर वन लिखूंगा ना, ठीक है ना, यू वन बोल देते हैं से, वी वन की जगह पे यू वन क्या लिखूंगा ओमेगा आर वन लिखूंगा, भाई ओमेगा की वेलोसिटी घूम रहा है और आर वन दूरी पे वो पॉइंट है, तो ओमेगा आर जैसा होता है भाई, किसी भी रोटेशन की पेरिफेरल वेलोसिटी क्या लिखोगे ओमेगा आर ही लिखोगे ना, ओमेगा से घूम रही है और आर डिस्टेंस है तो ओमेगा आर ही हुआ, क्लियर है। तो सिंपल इस तरह से मैं इसे ओमेगा आर वन लिखूंगा, यू टू को क्या लिखोगे ओमेगा आर टू लिखोगे, सिंपल, तो यही तो कर रहे हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला भी क्या होता है अल्टीमेटली, जब आप कैलकुलेट करना चाहते हो इसको तो कैसे निकालते हो, देखो ओमेगा को क्या लिखोगे भाई, यू वन यू टू समझ गए ना, यू वन इज इक्वल टू ओमेगा, यू टू इज इक्वल टू ओमेगा आर टू और ओमेगा आर वन, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ओमेगा को खोल दीजिए बस, मानो आपको ओमेगा ना एंगुलर वेलोसिटी देखिए वो स्पीड दे देगा कि इतने आरपीएम में टर्बाइन घूम रहा है, तो इतने आरपीएम में घूम रहा है तो जस्ट टू पाई एन बाय सिक्सटी इंटू आर वन। अब देखो 2 और r क्या हो जाता है, 2 r क्या हो जाता है डायमीटर, तो हम सिंपली ये भी कहते हैं u1 is equals to pi d1 n by 60, सिंपल, और u2 is equal to pi d2 n by 60, सिंपल, यू कैन जस्ट इजिली कैलकुलेट बाय pi d1 pi n। और अगर मैं बोल देता हूं कि ब्लेड जो है वो सिमेट्रिक है, किस तरह से है ब्लेड, ऐसे ना हो के ब्लेड जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है, इसको मैं यहां बोल देता हूं बिल्कुल ऐसा सिमेट्रिक, ये दोनों पॉइंट जो है वो बराबर दूरी पे हैं, वन बी और टू बी, तो अगर दोनों बराबर दूरी पे हैं तो आर वन आर टू बराबर हुआ, और आर वन और आर टू बराबर हुआ तो फिर यू वन यू टू भी तो बराबर हो गया भाई, अगर डी वन डी टू बराबर है, रेडियस बराबर है, डाया बराबर है, तो फिर यू वन यू टू भी बराबर हो गया, फिर यू वन इज इक्वल टू यू टू कह सकते हो आप सिंपली, समझ आ रही बात। एफ एक्स मेन मैंने क्या करा, हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब यहां पे आप वर्टिकल वर्टिकल निकालने के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल निकालना मैं बता दूंगा, वर्टिकल क्या, वर्टिकल के लिए वेलोसिटी वर्टिकल वाली लेनी है एफ वी एफ वी एफ, और हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल वाली लेनी है वी डब्ल्यू वन वी डब्ल्यू वन, बस, ठीक है ना। तो यहां पे हमने सिंपल याद रखिए, हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए आपको सिंपल याद रखना है एम डॉट वी वी डब्ल्यू वन। अब देखो वी डब्ल्यू वन इस डायरेक्शन में, ये वी डब्ल्यू वन और वी डब्ल्यू टू इस डायरेक्शन में, ये जो कंप्लीट इस डायरेक्शन में, तो फिर वही होगा ये माइनस माइनस ऑफ वी डब्ल्यू टू है ना, तो माइनस माइनस ऑफ वी डब्ल्यू टू, तो सिंपली वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू, अब देखो इंटू यू, ये यू मैंने कब लिया बाहर, जब यू वन यू टू को मैंने सेम माना है, जब यू वन यू टू को मैंने सेम माना है तब मैंने यू बाहर लिया है, अगर यू वन यू टू आप अलग अलग मानोगे तो फिर थोड़ा सा अलग होगा, तो ये सिंपली याद रखना है फोर्स तो सिर्फ ये है, पहले सिर्फ इतना याद रखो फोर्स ये है एम डॉट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, पावर में अभी बताता हूं, पहले फोर्स याद रखिए, फोर्स सिंपली ये है, ठीक है, समझ आ रही बात, दिस इज एफ एक्स। तो बहुत आसान है याद रखना, ठीक है ना,
एफ वाई क्या होगा, एफ वाई इक्वल टू एम डॉट वी एफ वन, उसी डायरेक्शन में वी एफ टू भी उसी, तो वी एफ वन माइनस वी एफ टू, नथिंग एल्स, वी एफ वन माइनस वी एफ टू। ठीक है, समझ आगे बात। ठीक है ना, समझ आगे बात। ठीक, तो एफ एक्स एफ वाई आपको सिंपली ये अभी याद रखने का कुछ खास जरूरत नहीं है, सिंपल एफ एक्स, मैंने बोला एफ वाई की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको टर्बाइन में कहीं, आप एफ एक्स याद रखिए, एफ एक्स इंपोर्टेंट, जितना कम याद रखने की जरूरत है उतना याद रखें एफ एक्स। नाउ अब अगर आप पावर निकालते हैं तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ एक्स इंटू यू, आपको बोला था मैंने पावर मतलब वर्क डन पर सेकेंड, एफ एक्स इंटू यू, तो एफ एक्स इंटू यू में अब देखो यू दोनों है, यू वन यू टू, तो आप ऐसा लिख सकते हो एम डॉट वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू यू टू, सिंपल ऐसे याद रखिएगा, वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू यू टू, शॉर्ट में बता रहा हूं, सिंपल ऐसे, दिस इज योर पावर। ठीक है, और अगर यू वन यू टू को सेम मानेंगे तो यू कैन यूज पावर इज इक्वल टू एम डॉट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू, बस यू कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम सिंपली कर सकते हैं, समझ आ गई बात, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है ना, तो इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं ये मैं बताता हूं, जो भी हम फॉर्मूले से पावर निकालेंगे यहां पे, तो दैट इज कॉल्ड रनर पावर, जो टर्बाइन की वेलोसिटी ट्रायंगल से जो भी पावर निकलेगी दैट इज कॉल्ड रनर पावर। ठीक है ना, ये सीरीज ऑफ वेन को जो ब्लेड लगी होती है किसी शाफ्ट में, ठीक है ना, तो हमें यहां पर क्या बोलते हैं, ठीक है, हमें यहां पर क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग रनर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रनर, ठीक है, टर्बाइन में इसको रनर बोलते हैं और उसमें इसको इंपेलर बोलते हैं। ठीक है,